एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी ही नहीं, ये देश की तरक्की में भागीदार एक ऐसी कंपनी है जो विकास की धार को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश ही नहीं, दुनिया की अग्रणी विद्युत कंपनियों में शामिल एनटीपीसी रोज नए कीर्तिमान बना रही है। एनटीपीसी का सुनहरा सफर सिंगरौली में बिजली उत्पादन से शुरू हुआ और इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज एनटीपीसी दुनिया के सबसे बड़े और श्रेष्ठतम ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और भारत के विकास में निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 1982 में एनटीपीसी की विद्युत उत्पादक क्षमता 200 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर लगभग 44,598 मेगावाट की क्षमता हो चुकी है। देश में एनटीपीसी के विद्युत उत्पादन के 17 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 8 अक्षय ऊर्जा एवं 7 संयुक्त उपक्रम स्टेशन चल रहे हैं। इसी कड़ी में एनटीपीसी के 800 मेगावाट के कोल डैम हाइड्रो परियोजना की 200 मेगावाट की 3 यूनिट कमीशन हो चुकी हैं। इसके साथ एनटीपीसी ने अब अपने कदम हाइड्रो क्षेत्र में भी मजबूती से रख दिए हैं। हाइड्रो पावर ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है और ये कार्बन न्यूट्रल भी है। पर्यावरण के प्रति अपनी कृत संकल्पता दिखाते हुए एनटीपीसी कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई। कोल डैम जल विद्युत परियोजना चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर और मंडी जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 800 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत उत्पादन है। कोल डैम हाइड्रो पावर परियोजना के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। डायवर्जन स्ट्रक्चर कोल डैम हाइड्रो के मुख्य अंगों में से एक है, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान नदी के जल प्रवाह को 2-14 मीटर के डाया वाली हॉर्स शू टनलों द्वारा मोड़ा गया है। इन टनलों की लंबाई लगभग 901 मीटर तथा 934 मीटर है। इस परियोजना में 167 मीटर ऊंचा और 500 मीटर चौड़ा सतलुज नदी पर बना अर्थ एंड रॉकफिल डैम है। ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। कोल डैम में अतिरिक्त बहाव के निकास के लिए निर्मित संरचना स्पिलवे लगभग 460 मीटर लंबा और 70 मीटर से लेकर 132 मीटर तक चौड़ा है। स्पिलवे की फ्लड डिस्चार्ज क्षमता 16,500 मिलियन क्यूब प्रति सेकंड है। इसमें 17.1 मीटर चौड़े 6 गेट्स हैं। परियोजना में एक विशाल रिजर्वॉयर है जो लगभग 44 किलोमीटर की लंबाई में 4 जिलों शिमला, सोलन, बिलासपुर और मंडी में फैला हुआ है। इस रिजर्वॉयर की कुल क्षमता 576 मिलियन क्यूबिक मीटर है। परियोजना में मेन रिजर्वॉयर से सटा हुआ डीकेंटिंग चैम्बर है, जहां से 0.25 मिलीमीटर की सेडिमेंट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। सरफेस पावर हाउस डैम की टो पर रिवर बैंक के बाईं ओर स्थित है। यहां 4 फ्रांसिस टाइप वर्टिकल एक्सिस वाले 200 मेगावाट की क्षमता के उत्पादन यूनिट हैं। इसके साथ 400 किलोवोल्ट का ओपन टाइप स्विच यार्ड है, जिसमें 4 आउटगोइंग फीडर लाइनें हैं। 400 किलोवोल्ट वाले एयर इंसुलेटेड स्विच यार्ड के साथ पूरी तरह कंप्यूटराइज सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम है। कोल डैम का 400 किलोवोल्ट के आउटगोइंग फीडर वाला ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार हो चुका है। पावर इवैक्यूएशन कोल डैम नालागढ़, कोल डैम लुधियाना तथा पार्वती कोल डैम नालागढ़ लाइन के द्वारा है। विशेष बात यह है कि कोल डैम परियोजना की वजह से भाखड़ा परियोजना का जीवन काल भी 18 साल बढ़ गया है। एनटीपीसी कोल डैम जल विद्युत परियोजना से सिर्फ हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, बल्कि साथ साथ जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ को भी बिजली प्रदान करेगा। सुंदर बात ये है कि सामुदायिक विकास कार्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कोल डैम हाइड्रो पावर परियोजना द्वारा परियोजना प्रभावित तथा इसके आसपास के गांव के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा आधारभूत संरचना संबंधित सभी आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एनटीपीसी की अन्य 4 निर्माणाधीन हाइड्रो आधारित विद्युत परियोजनाएं भी हैं। इनमें उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगाड 520 मेगावाट,
लता तपोवन 171 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली लघु विद्युत जल परियोजना 8 मेगावाट और पश्चिम बंगाल में रमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 120 मेगावाट शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। आज एनटीपीसी ने विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा लिया है और बड़े स्तर पर इसकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है और इसके साथ ही एनटीपीसी के सपनों का सफर भी जारी है।